हरियाणा के यमुनानगर में हर साल मानसून के दौरान लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वर्षा का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, सड़कें नहरों का रूप धारण कर लेती हैं। पिछले कई वर्षों से यही हालात बनते आ रहे हैं। उपायुक्त ने विभिन्न इलाकों का दौरा करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। यमुनानगर के नव नियुक्त उपायुक्त गिरीश अरोड़ा ने पिछले सोमवार को कार्यभार संभाला। उन्होंने आज यमुनानगर के विभिन्न इलाकों का दौरा किया। इस दौरान नगर निगम के विभिन्न विभागों के अधिकारी उनके साथ रहे। उन्होंने यमुनानगर जगाधरी के कई इलाके देखे जहां पानी की निकासी नहीं है, पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। उनके लिए अधिकारियों को मानसून से पहले समाधान निकालने की आदेश दिए। उपायुक्त गिरीश अरोड़ा का कहना है कि इस दौरान कई जगह सीवरेज की सफाई नहीं थी, कई सफाई करते कर्मचारियों के पास ड्रेस नहीं थी, शूज नहीं थे। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना वर्दी के सफाई कर्मचारियों को नालों में ना जाने दिया जाए। उन्होंने कहा कि जहां जहां मानसून से पहले कार्य हो सकते हैं उन्हें करवाने के लिए कहा गया है। आज मेरा शहर का विजिट करने का मेन मकसद यही था कि नगर निगम की जो सफाई, नालों की सफाई की तैयारियां हैं उसका जायजा लेने के लिए निकले थे कि कितनी सफाई हो चुकी है, कितनी और रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इस बार बता रहे हैं कि मानसून जल्दी भी आ सकता है और हैवी मानसून की उम्मीद है। इस कारण ये उचित समझा गया कि तैयारियां हमारी पूर्ण होनी चाहिए, वेल इन टाइम होनी चाहिए। हमने आज सुबह से ही जहां से नाला शुरू होता है जगाधरी से, प्रकाश चौक वाले पॉइंट से, वहां से लेकर एंड पॉइंट जो यमुनानगर में डिच ड्रेन है वहां तक, और बीच में जहां जहां सोर पॉइंट से जहां जहां दिक्कत आती है वहाँ पर उन जॉइंट्स को, जंक्शंस को देखा और समझने की कोशिश की कि में क्या और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है और सफाई व्यवस्था ठीक भी है, नाले पूरे निकाले गए हैं या नहीं। तो इसमें पाया गया कि काफ़ी जगह जो नाले में उतरे हुए हमारे सफाई कर्मचारी थे वो बिना गर्म बूट्स के थे, बिना जैकेट के और बिना ग्लव्स के थे, और जबकि ये ज़रूरी है। और लगभग 3 साल पहले जब मैं कॉरपोरेशन में कमिश्नर था तो हमने सभी सफाई कर्मचारियों को कॉरपोरेशन की ओर से ये चीज़ें उपलब्ध कराई थी। वैसे भी सफाई कर्मचारी आयोग के भी ऑर्डर हैं कि जो भी नाले में उतरें उनके ये पूरी प्रोटेक्शन व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये मौके पर जो DMC थे हमारे साथ उनको ये डायरेक्शन दी गई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको जल्दी ही ये चीज़ें मुहैया करा के तभी नालों में उतारा जाएगा।